क्षमा चाहते हुए मैं अपनी बातों को शुरू कर रहा हूँ, और जितने अभिभावकगण कुछ विषय को लेकर चिंतित हैं, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और आप सभी लोगों को बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और आज हम लोगों ने हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चों के लिए एक नई कड़ी, एक नई योजना प्रारंभ की है। इसमें कुछ सांकेतिक रूप से यहाँ बच्चों को पुरस्कार दिया गया है, कुछ को अभी देने हैं। और मैं क्षमा इसलिए चाहूँगा क्योंकि 1 बजे से ये कार्यक्रम है, 10 बजे से ही बच्चे आए हुए हैं। इसी तरीके से कई लोग राज्य में अपनी अपनी समस्या, अपनी अपनी बातों को लेकर कहीं सड़कों पे मिलते हैं, कभी घरों में मिलते हैं। सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा वक्त देते देते हमें यहाँ आने में विलम्ब हुई है, इसके लिए मैं क्षमा चाह रहा हूँ। और जो हमारी सोच थी कि हमारे झारखंड के बच्चे, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हों चाहे वो CBSE में पढ़ रहे हों, चाहे वो ICSE कोर्स कर रहे हों, जो बच्चे काफी शिक्षा को लेकर गंभीरता से अपनी पढ़ाई करते हैं और आने वाली चुनौती को जो उनके सामने बोर्ड के बाद होगा उसकी भी तैयारी में लगे रहते हैं, उसकी उनकी उत्साह को और मजबूती प्रदान करना और शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाना, इस विषय को सोचकर हम लोगों ने पहले तो चलते चलते बच्चों को पुरस्कृत किया, कुछ व्यक्तिगत रूप से, कुछ सरकारी तौर पर, कि वो बच्चे और अच्छे होनहार बने। लेकिन ये यदाकदा हम लोग बच्चों के बीच में लोग बच्चों को हम लोगों ने प्रोत्साहित किया है, लेकिन मुझे लगा क्यों हम इस विषय को लेके एक कार्य योजना बनाए और बिना किसी भेदभाव करते हुए जो भी बच्चे झारखंड में पढ़ रहे हैं उसको बेहतर शिक्षा के लिए पुरस्कृत किया जाए और उसको उत्साहवर्धन किया जाए। और आज अंतोगत्वा शिक्षा विभाग ने इस कार्य को पूर्ण रूप दिया है। आज के समय में जो कॉलेज जाते ही या आगे की पढ़ाई शुरू करते ही जो कुछ चीज़ों की सबसे बड़ी भूमिका हो रही है आज के समय में, एक तो अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए आर्थिक पैसों की ज़रूरत, किसी तरीके से आस पड़ोस के लोगों के साथ मिलजुल कर पैसे जुगाड़ भी हो गए, बच्चे का एडमिशन भी हो गया, तो उस बच्चे को पढ़ाई के लिए आज के दिन में लैपटॉप की भी आवश्यकता होती है,
वो कहाँ से आएगा। एक मोबाइल की भी आज के दिन में अत्यंत आवश्यक है। आज जेब में पर्स हो या ना हो, मोबाइल जरूर होना चाहिए। आज का जो तकनीकी ज़रूरतें हैं, इससे भी और भी चीज़ें ज़रूरत हो सकती हैं, लेकिन अभी तक जो हमें समझ में आया कि ये बेसिक ज़रूरत की चीज़ें क्यों ना हम सरकार की तरफ से उन बच्चों को मुहैया कराएं, ताकि आज के दिन में जो लोगों की आमदनी को लेकर चिंता बनी रहती है और कई चीजों में कमी बेसी करने की आवश्यकता आन पड़ती है, तो हमने उन होनहार बच्चों के माध्यम से उन परिवारों को भी इसके साथ जोड़ने का प्रयास किया है कि कम से कम टेंथ ट्वेल्थ के बाद की अगली पड़ाव की पहली सीढ़ी की चिंता आप ना करें, उसकी चिंता के लिए सरकार आपको सहयोग करने के लिए तैयार है और इसके लिए बच्चों को हम लोगों ने आज यहाँ लैपटॉप और आर्थिक सहायता दी है। और इसमें कुछ बच्चे जो हैं, लगभग जिनकी संख्या 130 है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो साइंस में भी हैं, आर्ट्स में भी हैं, कॉमर्स में भी हैं, इन सब को मिलाकर है, उनको दी जानी है। अभी कुछ बच्चों को यहाँ हम लोगों ने अपने हाथ से पुरस्कृत किया है। सभी लोगों की चाहत होगी कि सभी को मंच के माध्यम से पुरस्कार मिले। समय के अभाव को लेकर इस बात को इस बार रखा गया है, क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद हमारा कैबिनेट भी होना है। नहीं तो हमारी भी इच्छा है कि सभी बच्चों को हम अपने हाथ से दें, हमें भी खुशी होगी और बच्चों को भी खुशी होगी। और इसको लेकर अभी सरकार ने ये कार्य योजना बना ली है और ये मैं समझता हूँ कि जो आज 130 बच्चों की जो संख्या है, इस कंपटीशन के दौर में यहाँ पर जो बच्चों की हुनर की और शिक्षा को लेकर बच्चे जितने कंसस हैं, अलग अलग जिलों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग स्कूलों में, वो काफ़ी हमें देखने को मिला है। आज 130 बच्चों की हमारे पास आंकड़े आए हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले 130 नहीं बल्कि 260 बच्चों की भी आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन उन सभी बच्चों को हम लोग सम्मान देंगे ताकि आने वाले समय में वो बेहतर प्रदर्शन कर सकें। आपने देखा कि हम लोग विदेशों में भी बच्चों को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, उन बच्चों का पूरा खर्चा राज्य सरकार वहन कर रही है। अभी तो मुझे जानकारी मिली है जो फर्स्ट बैच के बच्चे गए हैं, जिसमें से एक दो बच्चे तो वापस आ गए, लेकिन बाकी बच्चों को वहीं नौकरी मिल गई है। ये कहीं ना कहीं एक झारखंड की सिर्फ खनिज संपदा ही नहीं बल्कि बौद्धिक क्षमता पर भी निर्भर होने की क्षमता ये राज्य रखता है। और आज नहीं कल इसका परिणाम जरूर कहीं ना कहीं राज्य को भी इसका लाभ मिलने वाला है।
आज अभी हमारे यहाँ किसी भी तरीके का कोई भी बच्चों के साथ हम लोगों ने बिल्कुल न्यूट्रल वे में सबको सेलेक्ट करने का काम किया है। एक देवघर का ही बच्चा हमारे पास अभी यहाँ पुरस्कृत होके गया है, पता चला वो बिहार का लड़का है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिहार का हो, यूपी का हो, कहीं के बच्चे हो, अगर झारखंड के स्कूल से उत्तीर्ण हो रहे हैं तो उनको भी सम्मान देने का काम राज्य सरकार करेगी। चलिए, मैं बातें और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि और आगे के कार्यक्रम है, कुछ सरकारी कार्यक्रम में व्यस्त हैं हम लोग। इन्हीं बातों के साथ सभी अभिभावकों को और सभी बच्चों को आने वाले बेहतर भविष्य के लिए मैं अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।